में दीक्षा दूंगा और यहाँ आज्ञा चक्र पे शिव के तीसरे नेत्र आंख बंद कर मुझे यहाँ देखना, ये उन अंदर खुलता है जिसमें आपको 72,000 नाड़ियां दिखेगी, वो कुंडलनी ऊपर उठती हुई दिखेगी। एक क्रियात्मक योग है, इसमें खंडन मंडन नहीं होता है। मेरे गुरुदेव ने इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाया और ये आप सबके पास है, इसका अंतिम अक्षर आप पढ़ लोगे उसी का नाम मोक्ष है, सालवेशन। भारतीय योग जो है वो मनुष्य के उच्चतम विकास तक पहुंचाने की क्रियात्मक विधि बताता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि हुए बिना आप प्रकृति का पूर्ण रहस्य नहीं मालूम कर सकोगे। इसमें कई तरह की मुद्राएं होती है, एक होती है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा उसमें क्या होता है, जीभ पीछे खींचती है और शक्तों के ऊपर तालु में एक पर्टिकुलर पॉइंट को दबाती है, वहां से एक रस टपकता है। हमारे योगियों ने उसको अमृत कहा है, गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा होए बरबर पीवे निगुरा जाए प्यासा। अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजा महिम परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्था संभवामी योगे योगे। तो इस प्रकार कृष्ण नौवें अवतार थे, अब कल की हो गया। देखिए अब मेरी तस्वीर से योग होने लग गया। यूएसए में बहुत औरतें, अब ईमेल का सिस्टम ऐसा हो गया कि आप अपने घर बैठे कहीं मैसेज कर सकते हो, तो सैकड़ों ईसाई महिलाएं अमेरिका में ध्यान कर रही है और उनको योग हो रहा है, क्रियात्मक योग हो रहा है और मेरी तस्वीर से योग होने लग गया। तो ये तो वेबसाइट पे दुनिया देखेगी। तो इस प्रकार मेरे जीवन का उद्देश्य है भारतीय दर्शन को विश्व दर्शन बनाना। ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है, जो घटनाएं घट गई वो तो घट गई, अभी आगे क्या होना है आप ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड फ्यूचर को देखेंगे और आज ही देखेंगे। समझे ना, समझे। मैं साल की बात करके चला जाऊं क्या सबूत आऊंगा नहीं आऊंगा, मैं कहता हूं आज ही परिवर्तन आएगा आप में और मैं कुछ नहीं दूंगा। आप बाई बर्थ पूर्ण हो, आप नहीं जानते हो आप क्या हो, आप आत्मा हो जो अजर अमर है, समझे। अब इस प्रकार फ्यूचर को देख लोगे तो गड्ढा होगा उसमें क्यों गिरोगे, ठोकर क्यों लगेगे, मतलब एक क्रियात्मक योग है, ये जीवन के उच्चतम विकास को का रास्ता दिखाता है क्रियात्मक ढंग से। आप बंद करके यहां देखोगे आपको 72,000 नाड़ियां दिखेगी, समझे समझे, और वो कुंडलिनी ऊपर उठती हुई दिखेगी, उसको मदर ऑफ यूनिवर्स कहा है हमारे धर्म में। तो विज्ञान परेशान है, ये बात ठीक है,
वो कहते हैं कि कोई दवाई के बिना बाहर से कोई मैटर को नहीं डालोगे तो ठीक नहीं हो सकते। और मैंने केवल राधा और कृष्ण के मंत्र से ठीक कर दिया। एड्स एक ऐसी चीज है, एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद में आज तक विश्व में आदमी नहीं बचा, और वो कुंडलिनी योग करवाएगी, मतलब वो सारे सिस्टम्स जो हैं उनको स्टिमुलेट करेगी, टोन अप करेगी, और जो जन्म से जो सिस्टम जितने ताकतवर थे उन सबको उसी स्थिति में ला देगी। केवल कुंडलिनी जागृत होकर के योग होता है तो ये एड्स खत्म होती है। कैंसर तो खत्म होता है, स्टार्टिंग में खत्म होता है। मेरे पास अमेरिका से आए थे आई के किम और विलियम किम दो, वो उनको रिलैप्स कैप्शन था। अगर मेरी तस्वीर को नेशनल लेवल पे हाईलाइट कर दे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया की बात तो समझ में नहीं आएगी। अब जो कुछ कह रहा हूं आपको जचे नहीं जचे, मगर जब योग करवाऊंगा, अच्छा कई इसमें एक उत्थापन सिद्धि होती है, उत्थापन सिद्धि मेरे बहुत शिष्य जो है यहाँ प्लेन में शीर्षासन कर लेते हैं, सीधे खड़े रहते हैं आध घंटे तक, बहुत शिष्य है। और खिचड़ी लगेगी उसको, हमारे गोरखनाथ जी ने कहा उससे जो रस टपकता है वो अमृत है, अमृत है तो दूसरा जन्म क्यों होगा, ये जन्म तो ले लिया तो इसमें तो जाना ही पड़ेगा, मगर खिचड़ी लगने के बाद में दूसरा जन्म नहीं होगा। अच्छा इसमें नशा भी छूट जाता है, नानक देव जी ने कहा है भांग दतुरा नानका उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नानका चली रहे दिन रात, ये बात कबीरदास जी ने कही है। कबीर ने कहा नाम अमल उतरे न भाई, और अमल छिन छिन चतुर चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सोया। मेरे बहुत शिष्य वो मिर्च शराब खाते थे, अब वो अपना आप छूट गए, आंतरिक बदलाव आ गया, समझे सर। तो अब करो 15 मिनट ध्यान, आंख बंद कर लो और ये तीसरा नेत्र होता शिव का, यहां मुझे देखो। आप किसी जाति के हो किसी धर्म को कोई जरूरत नहीं, मैंने तो वेस्ट में भी कहा कि बने रहो ईसाई, मगर ये क्रियात्मक योग है इसको देखो। तो 15 मिनट ध्यान करो, नाम जप करो, मन ही मन